चुनावों के वक्त में एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं जितनी राजनीतिक पंडितों की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क है ये कि एक एक एंड मोमेंट पे जब सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, वहां पे इस तरीके से लोगों को समझाना, आपको लगता है आपकी बात वहां तक पहुंच पाएगी जहां जहां पहुंचाना चाह रही, वोटर के दिमाग में पहुंच पाएगी, आप लोगों की सीटें आ पाएंगी, आप लोगों के उम्मीदवार जीत पाएंगे? क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं आपके 40-50 महिलाओं के नाम पे, आप पता नहीं आपके, मुझे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या परेशानी भी हुई आपको महिलाओं को? कोई परेशानी नहीं हुई, हर हर सीट में 3-4 महिलाओं के आवेदन पत्र मिले, उससे भी ज्यादा, तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप, आपको लगता है कि वो जो बात आप कह पा रहे हैं माइंड में हिट करना चाह रहे हैं लोगों के, वो हिट हो पाएगी? क्योंकि क्यों नहीं होगी, हमारी बात हम पहुंचा रहे हैं जोरदार तरह से, हम प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी बात? आपने देखा, देखिए ये कोविड की जो के नियम हैं जो अभी लागू हुए हैं, इससे पहले हमने कहा था कि हम मैराथन करेंगे महिलाओं के लिए, हमने आपस में भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी महिलाएं आएंगी, हमने सोचा कि हाँ ठीक है मेरठ में मैराथन कर रहे हैं, 1500-2000 महिलाएं आ जाएंगी, 8000 आई, उसके बाद झांसी में की 12000 आई, लखनऊ में की 14000 आई। तो क्योंकि उनके मन में कोई बात है ना, वो उनकी अभिव्यक्ति भी है, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी है, वो चाह रही हैं कि कोई उनकी बात सुने, वो भी चाह रही हैं कि भाई हम भी तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें कौन मदद करेगा? तो जब उनके मन में ये बात है तो क्यों नहीं मानेंगे? मतलब महिलाओं का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और जो 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, तो आपको हर गली गली के अंदर वो लड़की, आप बताइए, आप घूमे हैं यूपी में तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रहे हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है हमने करी, तो वहां पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश, शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना, जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली थी, ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें, तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना। नहीं, आपको उस बात पे आपको आप, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है, जब 50% महिलाएं हैं इस देश में तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी? तो मैम अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए, आप जब आप एक चेहरा है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते, भागीदारी वहां क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है अखिलेश यादव है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, तो यहाँ एक यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी, आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है, हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है, तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है, कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं, कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे, ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। यूपी की जो पॉलिटिक्स है, यूपी की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, तो कभी ना कभी तो बदलाव आना चाहिए ना, कभी ना कभी तो देखिए पॉलिटिक्स इससे ऊपर उठकर असली मुद्दों पे होनी चाहिए, अभी तो शुरुआत तो इससे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहल किसी को करनी पड़ेगी ना। क्या आप बताइए आपकी कितने समस्याएं हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार उन्हें सुलझाए कि सरकार आपको बहकाए?
तो कभी ना कभी तो ये होना ही है ना, तो किसी को ये पहल करनी है कि बहुत हो गया है अब विकास की बात करो। तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? चुनाव आता है कह देते हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, आपको रोजगार देंगे, कभी समझाया कि कहां से आएंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा हम 20 लाख नौकरियां रोजगार दिलवाएंगे, हमने ऐसे हवा में नहीं कहा है। हमने कि पूरा घोषणा पत्र निकाला है, किस लिए निकाला है? हम भी बैठ सकते थे, कह सकते थे कि हम कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने जितनी भी युवाओं की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए खाका बनाया है। क्यों? क्योंकि हम सीरियस हैं, हम चुनाव के समय ये सब घोषणाएं नहीं कर रहे। आप बताइए, 5 साल से सरकार है यूपी में, क्या कि पिछला महीना ही मिला है इनको कि हवाई अड्डे का उद्घाटन करें और हाईवे का उद्घाटन करें और नई नई इंडस्ट्री लगाएं? क्यों, इससे पहले टाइम नहीं था? सिर्फ 1 महीने पहले चुनाव के आप सब घोषणाएं कर रहे हैं, तो घोषणा करनी है तो ठोस तरह से करें। जैसे हम कह रहे हैं, इसमें हमने क्या कहा है कि ये 20 लाख नौकरी जो रोजगार है आएंगी कहाँ से, इसमें पूरा स्पष्ट हमने खाका बनाया है, हमने पूरा रिसर्च किया है कि इसके लिए क्या सरकार में फंड्स होंगे कि नहीं, फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से रोजगार आए हैं। फिर आपको मालूम है कि यूपी में जो ये परीक्षाएँ हैं, खासतौर से जो भर्ती वाली हैं, इनमें कितना घोटाला है, कितनी की रद्द हो जाती हैं परीक्षा देने के बाद, इसमें कट ऑफ चेंज होता है। तो बेचारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, दीदी कट ऑफ इतना था, हम पास हो गए, 2 महीने बाद बोल दिया कि कट ऑफ ही बदल गया है। मैं एक ऐसे बच्चे से मैंने बात की जो 6 साल इंतज़ार कर रहा है, वो पास हो गया है, 6 साल इंतज़ार कर रहा है कि उसकी नियुक्ति होगी, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। और बताइए कितना मुश्किल है सरकार के लिए, कितना मुश्किल है कि इन चीज़ों का समाधान करें। मुश्किल नहीं है, हम सब इसमें स्पष्ट कह रहे हैं, हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, सारी परीक्षाएं, उनकी डेट, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, नियुक्तियां कब तक होंगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर होगा तो जुर्माना होगा, जो भी अफसर जो भी उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है उसका जुर्माना होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि जितने भी युवक हैं और युवतियां हैं ये पढ़ें, ऑनलाइन पढ़िए या कहीं से कांग्रेस के ऑफिसों से ज़िलों में ये आप इसको लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये राजनीति बदले, हम चाहते हैं कि विकास